दोस्तों, दोस्तों जीएसटी जीएसटी में में छोटे 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 प्रोविजंस प्रोविजंस होते हैं और होते इन हैं और इन छोटे 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 प्रोविजंस प्रोविजंस को को रिटेन रिटेन रखना रखना अपने अपने आप आप में में चैलेंज चैलेंज है। है। इस इस चैलेंज चैलेंज को को ओवरकम ओवरकम करने करने के के लिए लिए हमने हमने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बनाया बनाया है है जीएसटी जीएसटी 40-सा, चालीसा, जिसमें जिसमें जीएसटी जीएसटी के के छोटे 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 पॉइंट्स पॉइंट्स हम हम लोग लोग कवर कवर अप अप करेंगे। करेंगे। एक एक स्टूडेंट स्टूडेंट या या एक एक व्यूअर व्यूअर जो जो इस इस वीडियो वीडियो को को देख देख रहा रहा है, है, उसे उसे इससे इससे ये ये फायदा फायदा होगा होगा कि कि इसे इसे भी भी वो वो बार 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 सुनेगा सुनेगा तो तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये ये याद याद नहीं नहीं करना, करना, लेकिन लेकिन वो वो छोटे 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 प्रोविजंस प्रोविजंस पे पे दिमाग दिमाग में में बैठ बैठ ही ही जाए। जाए। एक एक अटेम्प्ट अटेम्प्ट है, है, अटेम्प्ट अटेम्प्ट इंसान इंसान को को करना करना चाहिए, चाहिए, प्रयास प्रयास करना करना ही ही हमारा हमारा काम काम है। है। तो तो लेट्स लेट्स स्टार्ट स्टार्ट जीएसटी जीएसटी 40-सा। चालीसा। जीएसटी जीएसटी सब सब सीखो सीखो भाई, भाई, सारे सारे आईडेंटिटी आईडेंटिटी इसमें इसमें समाई, समाई, एक्साइज एक्साइज वैट वैट सीएसटी सीएसटी सारे, सारे, एच एच सर्विस सर्विस टैक्स टैक्स सब सब गए गए मारे, मारे, कस्टम कस्टम एसटीटी एसटीटी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ड्यूटी, ड्यूटी, रह रह गई गई दार दार पे पे एक्साइज एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी, पेट्रोल पेट्रोल डीजल डीजल गैस गैस एविएशन एविएशन क्रूड क्रूड ऑयल ऑयल इन इन ओल्ड ओल्ड एडिशन, एडिशन, सेंट्रल सेंट्रल स्टेट स्टेट टैक्स टैक्स है है लेते, लेते, डुअल डुअल टैक्सेशन टैक्सेशन इसको इसको कहते, कहते, इंट्रा इंट्रा स्टेट स्टेट सप्लाई सप्लाई जो जो होवे, होवे, सी सी जी जी एस एस टी टी एस एस जी जी एस एस टी टी उसको उसको सोहे, सोहे, इंटर इंटर स्टेट स्टेट सप्लाई सप्लाई जो जो करता करता आई आई जी जी एस एस टी टी वो वो है है भरता, भरता, जो जो स्टेट स्टेट को को हानि हानि होगी, होगी, सेंट्रल सेंट्रल को को वो वो भरनी भरनी होगी। होगी। हियर हियर वी वी आर आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट अबाउट कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन सेस। सेस। यदि यदि जीएसटी जीएसटी आने आने से से स्टेट स्टेट का का कुछ कुछ नुकसान नुकसान हुआ हुआ तो तो सेंट्रल सेंट्रल को को वो वो कॉम्पेंसेट कॉम्पेंसेट करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो तो हमारी हमारी चौपाई चौपाई बनी, बनी, जो जो स्टेट स्टेट को को हानि हानि होगी, होगी, सेंट्रल सेंट्रल को को वो वो भरनी भरनी होगी। होगी। 5 साल पांच साल की की गारंटी गारंटी देना, देना, स्टेट स्टेट जीएसटी जीएसटी हर हर सही सही लेना, लेना, हानिकारक हानिकारक प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो जो मांगे मांगे कॉम्पेंसेशन कॉम्पेंसेशन शेष शेष है है ला ला दे। दे। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट में में माल माल जो जो भेजो, भेजो, रेट रेट जीएसटी जीएसटी उस उस पे पे जीरो, जीरो, सप्लाई सप्लाई हो हो सेज सेज के के सागे, सागे, जीरो जीरो रेट रेट जीएसटी जीएसटी लागे, लागे, टैक्स टैक्स नहीं नहीं कोई कोई देना देना पड़ेगा, पड़ेगा, आईटीसी आईटीसी का का मजा मजा मिलेगा। मिलेगा। जीरो जीरो रेटेड रेटेड सप्लाई सप्लाई यानी यानी एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट या या क्लियरेंस क्लियरेंस टू टू सेज सेज में में हमें हमें कोई कोई जीएसटी जीएसटी नहीं नहीं देना देना पड़ता, पड़ता, इनफैक्ट इनफैक्ट एंड एंड आईटीसी आईटीसी हमें हमें मिल मिल जाती जाती है। है। इसलिए इसलिए हमारी हमारी चौपाई चौपाई बनी बनी कि कि टैक्स टैक्स नहीं नहीं कोई कोई देना देना पड़ेगा, पड़ेगा, आईटीसी आईटीसी का का मजा मजा मिलेगा। मिलेगा। 2.5 लाख2.5 लाख से से ऊपर ऊपर सप्लाई, सप्लाई, 2% टू परसेंट टीडीएस टीडीएस भाई, भाई, ईसीएस ईसीएस संग संग सप्लाई सप्लाई करना, करना, 1% वन परसेंट टीसीएस टीसीएस कटना, कटना, 50,000 50,000 के के मूवमेंट मूवमेंट सागे, सागे, ई ई वे वे बिल बिल संग संग में में लागे, लागे, 1.5 लाख1.5 लाख सप्लाई सप्लाई जो जो होवे, होवे, कंपोजिशन कंपोजिशन ऑप्शन ऑप्शन सोहे। सोहे। वी वी आर आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट अबाउट कंपोजिशन कंपोजिशन स्कीम, स्कीम, कि कि जिनकी जिनकी भी भी 1.5 लाख1.5 लाख तक तक की की टर्नओवर टर्नओवर है, है, दे दे कैन कैन ऑप्ट ऑप्ट कंपोजिशन कंपोजिशन स्कीम। स्कीम। 1%1% टैक्स टैक्स है है देना, देना, आईटीसी आईटीसी नहीं नहीं है है लेना, लेना, कस्टमर कस्टमर से से टैक्स टैक्स न न लेना, लेना, बिल बिल ऑफ ऑफ सप्लाई सप्लाई उसको उसको देना। देना।
40 लाख से ज्यादा सप्लाई रजिस्टर करा लो भाई। सर्विस में 20 लाख लिमिट है, 10 लाख मनी में जो एंटी है। रजिस्ट्रेशन के लिए इफ यू आर ए सप्लायर ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली देन द थ्रेशोल्ड सीलिंग इज 40 लाख एंड इन केस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और सप्लायर ऑफ सर्विस एज वेल एज गुड्स द थ्रेशोल्ड सीलिंग इज 20 लाख बट इन फोर स्टेट द थ्रेशोल्ड सीलिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस बोथ इज 10 लाख। ये चार स्टेट है मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा। तो मैंने मणिपुर का मनी ले लिया, मिजोरम का मिजो ले लिया, नागालैंड का एन ले लिया और त्रिपुरा का टी ले लिया और मेरी चौपाई बन गई इस सर्विस में 20 लाख लिमिट है, 10 लाख मनी मिजो एंटी है। इंटर स्टेट में माल जो बेचे रजिस्ट्रेशन जरूरी उसके, रजिस्ट्रेशन जो होवे भाई टैक्स कंपलसरी छूट है नाही। वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन करवावे टैक्स से वो बच नहीं पावे। आईटीसी तो तभी मिलेगा रजिस्ट्रेशन जब भी होगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी तक हम पढ़े, अब अपने आईटीसी की बात कर रहे हैं। आईटीसी का रूल भी जानो, किसका एडजस्टमेंट किससे यारो, सीजी आईजी के संग एसजी आईजी के संग आईजीएसटी सबके ही संग यूटी आईजी के संग सेस की भी आईटीसी मिलेगी अपने से ही एडजस्ट होगी। सब गुड्स सर्विस आईटीसी पावे कैपिटल गुड्स का एक संग आवे। आईटीसी एवरी गुड्स एंड एवरी सर्विस का मिलता है, इनफैक्ट कैपिटल गुड्स का भी मिल जाता है, लेकिन कैपिटल गुड्स की आईटीसी आपको वैट या एक्साइज लॉ की तरह नहीं है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स की आईटीसी आपको एक साथ मिल जाएगी। तो हमारी चौपाई बनी सब गुड्स सर्विस आईटीसी पावे कैपिटल गुड्स का एक संग आवे। जैसे ही इनवॉइस आवे सप्लायर जीएसटी चुकावे, गुड्स सर्विस जो मिल जावे आईटीसी ले हरख मनावे। सेक्शन 16(2) में आईटीसी की चार कंडीशन है, वो यहाँ पे कवर की हुई है कि आपको इनवॉइस मिल जाना चाहिए, आपके सप्लायर जीएसटी पे कर देने चाहिए एंड गुड्स और सर्विस की आपको डिलीवरी मिल जानी चाहिए, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो वी आर कवरिंग हियर जैसे ही इनवॉइस आवे सप्लायर जीएसटी चुकावे, गुड्स सर्विस जो मिल जावे आईटीसी ले हरख मनावे। एक और कंडीशन जो थी वो रिटर्न भरना पड़ेगा, वो तो ऑब्वियस है यार, सब कुछ ऑनलाइन है, रिटर्न नहीं भरेंगे तो आईटीसी कहां से। इसलिए वो पॉइंट मैंने चौपाई में कवर नहीं किया। 180 दिन में भाई पेमेंट तुम करो गुसाई, 17-5 में ब्लॉक लिस्ट होगी आईटीसी उसकी न मिलेगी। 17-5 का रट्टा मारो एनालिसिस कर उसे विचारो, 5 करोड़ के सेल जो होवे रिटर्न क्वार्टरली उसको सोहे। अब हम लोग आईटीसी से मूव करके रिटर्न चैप्टर में आ गए।
रिटर्न में पहले था कि 1.5 करोड़ वालों को क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ेगा, अब ये 5 करोड़ लिमिट हो गई कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो वो चाहे तो रिटर्न क्वार्टरली भर सकते हैं। मेरी चौपाई है 5 करोड़ की सेल जो होवे रिटर्न क्वार्टरली उसको सोहे, 5 करोड़ से सेल हो जाता मंथली रिटर्न उस पे लागा, 3-3 रिटर्न सब मिट करना, GSTR 1-2-3 कहना, 10 तारीख तक सेल बताओ, GSTR 1 लगाओ, 15 तारीख क्या क्या लीना, GSTR 2 में दीना, 20 तारीख तक टैक्स देना, GSTR 3 में भरना, पेमेंट है मंथली करना, सूखा रिटर्न नहीं है भरना। जो लोग रिटर्न क्वार्टरली भरते हैं या मंथली भरते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट जीएसटी में मंथली ही होता। तो इवन आप 5 करोड़ के नीचे टर्नओवर रखते हो और आपका जीएसटीआर क्वार्टरली जाता है, लेकिन फिर भी आपको PMT 06 में पेमेंट मंथली करना पड़ेगा। इसलिए और एक बात और है कि रिटर्न कर भरने के पहले आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, क्योंकि सूखा रिटर्न नहीं चलता जीएसटी लॉ में। तो मेरी चौपाई हो गई, पेमेंट है मंथली करना, सूखा रिटर्न नहीं है भरना, माल के संग इनवॉइस छोड़ो, जीएसटी अलग से जोड़ो। रिटर्न चैप्टर से इनवॉइस चैप्टर में आते हैं कि गुड्स के केस में इनवॉइस गुड्स की डिलीवरी के साथ जाता है, तो हमारी चौपाई बनी, माल के संग इनवॉइस छोड़ो, जीएसटी अलग से जोड़ो, सर्विस जब कंप्लीट कीजो, 30 दिनों में इनवॉइस दीजो, 200 तक की है सप्लाई, इनवॉइस नहीं देंगे भाई, एक एक इनवॉइस अपलोड करना, B2C कंसोलिडेट करना, B2C 2.5 लाख से ऊपर सप्लाई दूजे स्टेट के अंदर। रिटर्न भरते समय जब हम लोग GSTR 1 भरते हैं तो जितने भी B2B इनवॉइस है वो 1 by 1 अपलोड करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, लेकिन जो B2C की इनवॉइस है उन्हें हमें इनवॉइस वाइज नहीं भरना पड़ता, वो हम लोग कॉन्सोलिडेट करके भर देते हैं। परंतु जो B2C में भी इंटरस्टेट सप्लाई वाले इनवॉइस जिनका अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर है वो इनवॉइस वाइज डिटेल भरनी पड़ती है। इसलिए मेरी चौपाई बनी, एक एक इनवॉइस अपलोड करना, B2C कंसोलिडेट करना, B2C 2.5 लाख से ऊपर सप्लाई तुझे स्टेट के अंदर, ऐसे है रिटर्न भरना, GST का क्या कहना। GST के इस चालीसा में हमने शुरू से लेकर अभी तक में बहुत सारे चैप्टर कवर किए, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, ITC, रिटर्न, ऑलमोस्ट सभी, फिर भी ये एंडलेस है, इसलिए इसको हम यहीं पे पॉज देते हैं और जैसे जैसे छोटे छोटे प्रोविजंस और बनते जाएंगे चौपाई, ये हनुमान चालीसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सुंदरकांड और सुंदरकांड बढ़ते बढ़ते रामायण में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर भी इसको यहीं पे एक बार विराम देते हैं। GST सुनते चलो, नहीं होगा खुश होकर पढ़ते रहो, यही कहे सब संत,
जो जीएसटी सुनते हैं रख लो मन में ध्यान, देश का और आपका जीएसटी करे कल्याण। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आपको अटेम्प्ट पसंद आया।